क्योंकि आप मानोगे या फिर मैं आपसे कहूँ कि सारे एवेंजर्स के सुपर हीरो से भी ज्यादा पावरफुल हमारे इंडिया का एक सुपर हीरो शक्तिमान है। वेट वेट, मैं जानता हूँ आप ये सुनने के बाद क्या कहने वाले हो, और कमेंट पर मुझ पर बरसने से पहले ये बताओ कि क्या आपको शक्तिमान की सारे पावर के बारे में पता था? नहीं ना। और क्या आपको अभी तक पता था कि थोर के मीनियर को कैप्टन और विजन के अलावा शक्तिमान भी उठा सकता है? फिर बचपन में हम सब शक्तिमान को देखते तो थे, लेकिन इसके पावर को हम ज्यादा समझ नहीं पाते थे। हमको बस नजर आता था तो बस वो शक्तिमान का गोल गोल घूमना। एंड हम जैसे जैसे बड़े होते गए तो सुपर हीरोज और उनकी सुपर पावर्स को देखने का हमारा नजरिया बदलता गया, और हमको आयरन मैन, थोर, हल्क, कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो की सुपर पावर देखने को मिली, और इनको देखते देखते शायद हमने कभी भी शक्तिमान के पावर के बारे में जाना ही नहीं। वेल, आज की इस वीडियो में हम शक्तिमान की सारी पावर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं, साथ ही साथ ये भी देखने वाले हैं कि एवेंजर्स और शक्तिमान में से कौन ज्यादा पावरफुल है। सो चलिए अब टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि शक्तिमान के पास ऐसे कौन से पावर्स हैं जो एवेंजर्स के सुपर हीरोज को हरा सकता है। अब देखो, शक्तिमान ना ही तो तूफान के देवता है और ना ही उसको किसी मकड़ी ने काटा है। उसको किसी से पावर मिली है तो वह है ऋषियों द्वारा कराए गए कुंडली योग से, जिसमें उसको अपने अंदर 7 चक्रों को जगाना सिखाया गया। अपने अंदर 7 चक्रों को जगाने के बाद इसने एक यज्ञ भी किया है जिसे ये अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाता है, और इसी यज्ञ के द्वारा शक्तिमान अपने आप को यज्ञ में समाहित कर लेता है, जिससे उसको मृत्यु के बदले मिलती है सुपर पावर्स और 5 लाइफ एलिमेंट्स पर कंट्रोल। 5 लाइफ एलिमेंट्स का मतलब फायर, अर्थ, वाटर, विंड एंड स्काई। अब 5 लाइफ एलिमेंट्स पर कंट्रोल होने की वजह से शक्तिमान अपने बॉडी को 5 एलिमेंट्स पर कंट्रोल करके उसको किसी भी समय इन एलिमेंट्स का यूज कर सकता है, और इसके अलावा कुंडली योग से हासिल किए गए 7 चक्र की पावर भी अलग अलग है जो शक्तिमान को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। वह 7 चक्रास है जिसमें से पहला चक्र है मूलाधार चक्र जो की शक्तिमान को पूरे अर्थ पर कंट्रोल देता है, जैसे ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, यह चक्र शक्तिमान का वाटर एलिमेंट पे कंट्रोल देता है, जैसे कि पानी में रहना, पानी पर चलना, पानी का अंदर सांस लेना, इवन पानी का रूप लेना। तीसरा मणिपुरा चक्र, इस चक्र की पावर से शक्तिमान फायर एलिमेंट पे कंट्रोल करने के साथ ही साथ वो बिना अन्न, जल, हवा के बिना रह सकता है, लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, इनविजिबल हो सकता है, नेचर को कंट्रोल कर सकता है और धरती के सारे जीवों की भाषाओं को समझ सकता है, फिर चाहे वो इंसानी बच्चा हो या जानवर और पेड़ पौधे ही क्यों ना। चौथा अनाहत चक्र, इस चक्र से यह हवा पर कंट्रोल कर सकता है एंड यहाँ पर बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में देख सकता है, टेलीपैथी यानी मन ही मन किसी से बात कर सकता है, टाइम को कंट्रोल कर सकता है, किसी भी जिंदा या मरे हुए इंसान के बॉडी में जा सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है, किसी भी इनविजिबल चीज को देख सकता है और किसी भी प्लेनेट पर आ और जा सकता है। पांचवा विशु चक्र, यह चक्र शक्तिमान को स्काई पर कंट्रोल करने की पावर देता है, और इसके साथ ही साथ हर तरह की नॉलेज और आर्ट में मास्टर, किसी को भी वरदान और श्राप देना, अपने शरीर को कितना भी बड़ा और छोटा करना, यूनिवर्स के सारे रहस्यों को जानना, रूप बदलना और किसी को भी हिप्नोटाइज करना या कहे तो वश में करना। छठा आज्ञा चक्र है, इस चक्र से शक्तिमान किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी को भी अपने बराबर पावर दे सकता है और किसी भी मरे हुए जानवर इंसान को फिर से जिंदा कर सकता है। सातवां और आखिर सहस्रार चक्र, इस चक्र से शक्तिमान मल्टीवर्स पे कंट्रोल कर सकता है, किसी भी प्लेनेट को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये कैरेक्टर इतनी ज्यादा पावर एबिलिटीज रखता है कि अगर इसको सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो पूरे मार्वल यूनिवर्स पे भारी पड़ सकता है और मार्वल के सारे सुपर हीरोज को ये अकेले ही मार सकता है। अब जैसे कि हम सबको पता है कि मार्वल यूनिवर्स में कितने ज्यादा सुपर हीरोज भरे पड़े हैं, अगर हम सबको शक्तिमान से कंपेयर करने लग जाए तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज हम शक्तिमान को कंपेयर करेंगे थोर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका से। अगर हम थोर की पावर्स के बारे में बात करें तो ये किसी से भी कम नहीं है। थोर की पावर्स है सुपर ह्यूमन स्पीड, जिससे यह पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। सुपर स्ट्रेंथ, जिसने हल्क जैसे पावरफुल कैरेक्टर को बिना किसी वेपन को ही धो डाला था। और सारी एवेंजर्स में से थोर ही ऐसा एवेंजर था जिसने थेनोस को सबसे ज्यादा बजाया था। हीलिंग पावर, जिससे अपने बड़े से बड़े घाव को काफी तेजी से हील कर सकता है और यूनिवर्स के सारे प्लेनेट्स पे आ और जा सकता है। और गॉड ऑफ थंडर होने की वजह से इसकी सबसे खतरनाक पावर है इसकी बिजली है। एंड अगर उसके पास जब उसके वेपन्स म्यूनिर और स्ट्रॉन्ग होते हैं तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और इसके पास एक और खतरनाक पावर ये है कि जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी पावर भी बढ़ती जाती है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें शक्तिमान से तो जहाँ थोर के पास सुपर ह्यूमन स्पीड है तो शक्तिमान मणिपुरा चक्र से लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रेवल कर सकता है, अपने आप को हील कर सकता है। और क्योंकि शक्तिमान ने 5 लाइफ एलिमेंट्स पर कंट्रोल पा लिया है तो उस पर थोर की बिजली का भी कोई असर नहीं होगा। और जहाँ थोर गॉड ऑफ थंडर है तो वही शक्तिमान के 7 चक्र के वजह से उसके पास गॉड लेवल की पावर आ जाती है, और इन्हीं गोल लेवल की पावर यानी वर्दी होने के वजह से शक्तिमान थोर के दोनों वेवस को भी उठा सकता है।
अब आयरन मैन की पावर के बारे में बात करें तो उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है जिससे वह हल्क जैसे पावरफुल सुपर हीरो को मार मार के कंट्रोल कर सकता है, अपने पावरफुल कवच से पावरफुल विलेन को हरा सकता है, किसी भी चीज को आसानी से लिफ्ट कर सकता है, अपने सूट में लगे थ्रस्टर की वजह से वह उड़ सकता है, स्पेस में जा सकता है, अपने सूट के अंदर कई तरह के मॉडर्न वेपन्स को स्टोर करके रख सकता है और टाइम आने पर उन वेपन्स को यूज करके अपने दुश्मनों को हरा सकता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अपने सूट को अपग्रेड करता रहता है जिससे इसका सूट पहले से भी ज्यादा पावरफुल बनता रहता है। लेकिन आयरन मैन को जितनी भी पावर मिलती है उसके आर्क रिएक्टर से मिलती है। हाँ, वो बात अलग है कि इन सब के अलावा वो जीनियस, करोड़पति, रोमियो और समाज सेवक है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें शक्तिमान से तो शक्तिमान के पास सुपर स्ट्रेंथ ही है, साथ में ये स्पेस में तो क्या प्लैनेट्स पे भी आ जा सकता है, इवन वो मल्टीवर्स को भी कंट्रोल कर सकता है। खैर, अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो विशु चक्र के पावर से शक्तिमान के पास आयरन मैन से भी ज्यादा इंटेलिजेंस आ जाती है। और जहाँ आयरन मैन अपनी पूरी आर्मी बना सकता है तो वही शक्तिमान आगे चक्र की पावर से अपने बराबर बहुत से लोगों को पावर दे सकता है और तो आयरन मैन के आर्मर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब देखो, सुपर सोल्जर सीरम के वजह से कैप्टन अमेरिका को सुपर पावर मिली है। अब वो पावर मिली है स्पीड, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। उसको किसी भी पॉइजन, एल्कोहल या बीमारी का असर नहीं होता है। कैप्टन अमेरिका के पास हीलिंग क्षमता भी है पर इसकी हीलिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी किसी भी छोटी मोटी इंजरी को आसानी से झेल सकती है। कैप्टन अमेरिका की मेन पावर की बात करें तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से वो दुश्मन पर भारी पड़ता है। एंड इम्पोर्टेंट बात, कैप्टन अमेरिका थोर का म्यूनियर और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों ही उठा सकता है जिससे वो लाइटनिंग का भी पावर यूज कर सकता है। अब शक्तिमान की बात करें तो शक्तिमान कैप्टन अमेरिका को इजीली हरा सकता है। हाँ, कैप्टन अमेरिका म्यूनियर और स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करेगा तो कुछ देर टिके रह सकता है, लेकिन आप ना भूलो कि शक्तिमान भी वर्दी है जिससे वो म्यूनियर और स्टॉर्म ब्रेकर उससे लेकर उसी पे अटैक कर सकता है। सो ओवरऑल इस एवेंजर वर्सेस शक्तिमान का बैटल में शक्तिमान विनर बन जाता है। वैसे आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना, एंड आपके पास इसको लेकर कोई भी थ्योरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। खैर, इन सब के अलावा आपके पास भी एक पावर है एंड वो पावर है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को ऑल कर देना जिससे कि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हाँ, ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक भी कर देना एंड ऑल्सो शेयर भी जरूर कर देना। सो फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। बाय।